और संविधान बचाओ न्याय यात्रा का निर्माण कर पूरे राज्य में घूम घूम करके लोगों को सचेत करने के लिए चले गए। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, हमारे नेता को बाहर जाना भी है, हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि पहली बार आपके हाजीपुर के बेटा सुचंदा राम कभी नेता की बात नहीं करता, सुचंदा राम नेता नहीं हाजीपुर का बेटा है। इसलिए मैं आपसे चार नंबर पर लालटेन पर बटन दबाकर सुचंदा राम ऐसे लोग हमारे ऐसे लोगों को विजय बनाए और महागठबंधन का नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा जी, चित्तन राम मांझी जी, मुकेश सहनी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए और जो केंद्र में बैठा जो सरकार है इस सरकार को जो बुखार फेंकने का काम करिए। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी मंच पर उपस्थित हैं। हम लोगों के इस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय शिवचंद्र राम जी हमारे मित्र भी हैं, इसलिए हम भागलपुर से चलकर आप लोगों के बीच में आने का काम किया है। ये हमारे साथ विधानसभा में भी साथ रहने का काम किया है और पार्टी संगठन में भी साथ में है। मैं आप लोगों से ये अनुनय विनय और प्रार्थना करने आए हैं कि जिस शिवचंद्र राम जी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे युवा नेता तेजस्वी जी ने भरोसा जताने का काम किया है, इससे है उसको पूरी ताकत से आप लोग यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगा। बेटा तो नहीं है, नेता भी नहीं है, रामदास पासवान जी थे, ठीक बात है, उनका मामला होता था, नेता थे इसलिए उनको लोग वोट देते थे, हम लोग भी आए इससे बहुत मदद मिलती थी। लेकिन अब जो उम्मीदवार है भाई, जीतने के लिए मदद के लिए तो या तो नेता होना चाहिए या बेटा होना चाहिए, तू न नेता है न बेटा है, दोनों में कुछ भी नहीं, तो पात्र ही नहीं है तो फिर कहा को सवाल है, कुछ भी नहीं। और बताए गए तो बोलो मंडल जी के चिराग तो बुझ चुका है, चिराग बुझ चुका है, देखिए बुझना तो चाहिए था। भूदेव चौधरी जी हमारी पार्टी के नेता उम्मीदवार है, वही खड़ा थे वहां और भूदेव चौधरी जी की जीत एकदम पक्की हो चुकी है, बताया गया चिराग तो बुझ चुका है।